हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग चार्टर टाइम्स एंड आई एम योर फ्रेंड शीएश अम्बी प्रभाकर। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से COVID-19 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया को बदलने वाला है। इसने ऑलरेडी हम सब की दुनिया को बदल के रख दिया है। हम कुछ भी वैसा नहीं कर रहे जैसा आज से 2 महीने पहले कर रहे थे, ना ही कोई और कर रहा है इस पूरे प्लानट पर। और सिमिलर सिचुएसन आने वाली है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, जहाँ पर 2 क्वार्टर्स कम्प्लीटली इम्पैक्ट होने वाले हैं। क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है Q1 और Q2 की बात करें तो, अगर हम अपने कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो। और इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार कंसिडर करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल लीक से हट के देखनी पड़ेंगी बिफोर वी क्लोज आवर बुक्स, बिफोर वी रिपोर्ट आवर नंबर्स विच हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। आइए एक सैटेलाइट व्यू देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं किन चीज़ों के अंदर हमें कोरोना वायरस दूर से दिखाई दे रहा है, किन चीज़ों के ऑलरेडी टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ लिस्ट को देखें, यहाँ पे यू कैन सी इट ऑलरेडी हैज़ मोर देन 10 आइटम्स इन द लिस्ट विच इज पॉजिटिव इन कोरोना वायरस टर्म। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आने ही वाला है अगर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री मेंटेन होती है तो। लीजेज आर इम्पैक्टेड, सीवियरली इम्पैक्टेड। रेवेन्यू पूछिए मत, पूरा का पूरा हिल के रह जाएगा। गोइंग कंसर्न आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिर से देखनी पड़ेंगी चीज़ें आपको उसके अंदर, जो चीज़ें आप कर चुके हैं ऑलरेडी वो दोबारा करनी पड़ेंगी। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, वाह, फिर से करेंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जहाँ भी करना पॉसिबल है। और बोरोइंग कॉस्ट में काफ़ी छोटा इम्पैक्ट है जो कि अभी दिखाई दे रहा है, बट इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। प्रोविजन्स एंड कॉन्टेंजेंसीज, दिस इज़ समथिंग विच इज ऑलमोस्ट इम्पैक्टिंग एवरी सिंगल कंपनी ऑन दिस प्लानट। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बोल दे कि नहीं, COVID-19 का मेरे प्रोविजन्स और कॉन्टेंजेंसी पे इम्पैक्ट ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। टैक्सेज की बात करें, डायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा आपको, आपके डिफर टैक्स एसेट्स और डिफर टैक्स लाइबिलिटीज की बात करेंगे यहाँ पे। फेयर वैल्यूएशन के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉशंस लेनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स रखने पड़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, बट हेज अकाउंटिंग आपका इम्पैक्टेड है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ बात नहीं कर सकते, बट यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू हैव दिस इन माइंड कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स मेजोर और मॉरेटोरियम अगर किसी बैंक का आपने अवेल करा हुआ अपने लोन्स पे, टर्मिनेशन बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी आपकी पॉलिसी है, और अगर कुछ आप नया प्रपोज करने वाले हैं, रेगुलेटरी फाइलिंग्स के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन नहीं कर सकता, ये आपको खुद देखनी पड़ेंगी। पर बाकी की जो मेजर इम्पैक्टेड आइटम्स है, जो ऊपर की लिस्ट है, उसके हम एक एक करके बात करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन से आइटम पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर में देख सकते हैं छोटा सा आइकन बना आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है वहाँ पर भी सब्सक्राइब का ऑप्शन है। आप प्लीज़ उस बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर कॉन्टेंट फॉर यू। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम आपके फेवरेट स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होती है, आप सबको पता है कि आपको लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड NRV लेना होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट जो भी कम है वो लेना होता है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नाम कर सकते हैं। चेंज यहाँ है कि आपकी NRV और कॉस्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यू टू COVID-19 इम्पैक्ट। NRV में तो बहुत बड़े चेंजेज आ सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू कंसिडर एनी रिडक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसका जो भी इम्पैक्ट होगा। अगर आपका सेल प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे गया है या कुछ भी चेंजेज हुआ है सेल प्राइस के अंदर, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके NRV पे हो सकता है। अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है जो पेरिशेबल है, ख़राब हो सकती है, ख़राब हो रही है, या आप लॉजिस्टिक ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट NRV पे बनता है। NRV का फॉर्मूला आपको सबको पता है, कैसे NRV निकालना होता है, इट्स नथिंग बट यू टेक योर सेल्स प्राइस, आपको जो भी पैसा आप इसको बेच के मिलेगा आपकी अपनी इन्वेंट्री को, उसमें से आप एस्टिमेटेड जो रिमेनिंग कंप्लीशन कॉस्ट है उसको आप लेस कीजिए, और अपना सेल्स का जो भी कॉस्ट है वो कम कीजिए, आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी उस इन्वेंट्री के थ्रू। तो ये तो आपका निकल के आया है NRV। अब बात करते हैं कॉस्ट इम्पैक्ट की। कॉस्ट इम्पैक्ट में फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं है, एज यूजुअल आप
रॉ मटेरियल की कॉस्ट लीजिए, अपना कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लीजिए, अपना ओवरहेड्स लीजिए, बट इसके अंदर एक स्पेशल अनाउंसमेंट और एक स्पेशल रिकमेंडेशन आईसीआई ने भी दिया है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड कि अभी आपको अपना ओवरहेड जो लेना है यू डोंट हैव टू एलोकेट द ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि अभी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज नॉट ए स्टैंडर्ड कैपेसिटी, यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी। तो अब हम बात करेंगे लीजेज की। इसके अंदर आपको जितने भी एग्जिस्टिंग लीज है आपकी कंपनी में, जितने भी एग्जिस्टिंग लीज एग्रीमेंट है जो कि अभी एक्टिव है, उन सबको रिव्यू करना पड़ेगा, दैट्स द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इसके अंदर एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूँगा, लीजेज की अकाउंटिंग महज वहम के बेस पे चेंज नहीं होगी। आपको कोई भी चेंजेस इस वजह से नहीं कर देना है क्योंकि आपके अंदर एक फोबिया बैठ गया, नहीं नहीं मेरा तो लेसी मेरे को पे नहीं करेगा, नहीं नहीं मेरा लेसर तो ये चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक एविडेंस चाहिए, आपको ऐसी एश्योरेंस होनी चाहिए खुद के अंदर कि हाँ आप क्यों ये चेंजेस करना चाहते हैं, और अगर आप एश्योर्ड हैं कि नहीं नहीं ये चेंज तो होके रहेगा मेरे लीज एग्रीमेंट में, देन यू कैन मेक कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज इन योर अकाउंटिंग एज वेल। तो जो सबसे वल्नरेबल आइटम्स है, पहले उनकी बात करें, लीज टर्म में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है लेसर और लेसी दोनों के। कंसेशन आ सकता है लेसर की तरफ से, अगर आप एक लेसर आपको कंसेशन देना पड़ सकता है अपने लेसी को, क्योंकि अगर इट डिपेंडिंग ऑन द कैश फ्लो सिचुएशन एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। उसके अलावा आपका जो वेरिएबल लीज पेमेंट है, बहुत सारे केसेस में लीज पेमेंट जो रखी जाती है वेरिएबल रखते हैं जो कि रेवेन्यू से लिंक होता है। अब आपका रेवेन्यू ही स्टेबल नहीं है, आपका रेवेन्यू ही फिक्स नहीं है आज की डेट में, कहीं होकर तो आने बंद ही हो गए रेवेन्यू, तो क्या लीज पेमेंट जाती रहेगी? डिपेंड करता है कि आपके लीजेज के टर्म क्या है, बट यू हैव टू रिव्यू इट, यू हैव टू री रीड योर लीज एग्रीमेंट ऑल द टर्म्स एंड देन यू हैव टू डिसाइड इसका क्या इम्पैक्ट मुझे लेना चाहिए अपने बुक्स के अंदर। उसके अलावा कई तरह के गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहे हैं, कई तरह की कंपनसेशन मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से या डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल STPI के अंदर गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए सारी जो रेंटल्स थी वो वेव कर दी फॉर स्मॉलर IT कंपनीज, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। कई सारे लीजेज होंगे जिनको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू हैव सम एविडेंस, वेयर यू हैव सम ट्रिगर्स टू यू नो अकाउंट दिस वैल्यूज, यू हैव टू टेक दैट इन कंसिडरेशन, यू हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेज इन योर लीज एग्रीमेंट अकाउंटिंग। तो अभी उसके अंदर भी एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है, कॉम्पेंसेशन देती है, आपको उसको रिकॉर्ड किधर करना है? 116 में करेंगे, लीज मॉडिफिकेशन की तरह ट्रीट होगा, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट होगा, या फिर दोनों में उसका इम्पैक्ट आएगा? दैट सोली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ग्रांट एंड नेचर ऑफ कंपेंसेशन। मैं इधर बैठ के कुछ भी नहीं बता सकता, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू एनालाइज इट। सिमिलरली अगर आपका लीज ओनरस हो गया, आपका लीज की वर्थ ही खत्म हो गई, आपने जो लीज ले रखी है उसकी जो कॉस्ट है आज की डेट में वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया, इन दैट केस वो लीज को आपको फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा, आपको उसका इम्पैक्ट लेना ही पड़ेगा अपनी बुक्स के अंदर। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं रेवेन्यू पे इम्पैक्ट की बात करूं, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप लीजेस के कॉन्सेप्ट में कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं या रेवेन्यू में कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, तो इन दोनों ही टॉपिक्स पे इंड एएस के अंदर, IFRS के अंदर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो भी है इन दोनों स्टैंडर्ड्स का, उसके ऊपर एक सिंप्लीफाइड वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल के अंदर डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं, आप उसको फिर से देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, डेफिनेटली यू कैन आस्क अस अ क्वेश्चन, यू कैन सेंड मी अ कमेंट और यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड आइटम इन दिस इंटायर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि आप एक अभी सामने से देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए आपके आसपास जितने बिजनेसेस हैं, क्या उनका रेवेन्यू सेम है, क्या उनका रेवेन्यू उतना ही है जितना वो लास्ट अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में अर्न कर रहे थे, क्या उतना ही अर्न कर रहे हैं आज की डेट में? ऑफकोर्स नॉट। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में है, तो इसका इम्पैक्ट हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। इस रेवेन्यू के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, आपको 3-4 मेजर फैक्टर्स अपने दिमाग में डालने पड़ेंगे। आपका रिवाइज्ड सेल्स रिटर्न परसेंटेज क्या है, या तो आपकी सेल्स होने रही है, हो रही है तो उसका रिटर्न क्या बढ़ गया है या कम हो गया है, इट डिपेंड्स बट इट विल चेंज फॉर श्योर, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, अगले 6 मंथ्स के लिए ये चेंज होगा ही होगा। सिमिलरली आपका कोई वॉल्यूम डिस्काउंट मिल रहा था, क्या वो अभी मिलेगा आपको, या आप कुछ वॉल्यूम डिस्काउंट दे रहे थे, क्या वो अभी आप दोगे? इसके अलावा क्या आप अभी भी प्राइस डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, हायर प्राइस डिस्काउंट्स, क्या आप उस कंडीशन में है, आपका कैश फ्लो इस चीज़ को सपोर्ट करता है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, जो कि डायरेक्टली आपके वेरिएबल कंसिडरेशन को इम्पैक्ट करने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके रेवेन्यू को सीधा सीधा इम्पैक्ट करने वाली है।
अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इंडिकेटर्स विच कैन सी कि आपका रेवेन्यू कितना नीचे जा रहा है, आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या आपका रिकवरी पे कहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी चीज़ें कलेक्ट हो पा रही हैं, कितनी नहीं हो पा रही हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा अगर मैं पुराने स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, जो एंटिटीज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं, पुराना वाले जिनके ऊपर इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है, वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर सकती हैं, अपने रेवेन्यू को बाद में रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, बट कंडीशन ये है कि उसकी कलेक्शन की अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, और वो अनसर्टेनिटी हवा में नहीं होनी चाहिए, वो अनसर्टेनिटी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि वो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी क्यों है, आप कैसे उसको साबित कर पाएंगे कि आपने रेवेन्यू आज की डेट में रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्यों आप उसको आगे जाके रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आज तक हम में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बुक्स में और ऑडिट रिपोर्ट्स में पढ़ा है, गोइंग कंसर्न, बट चाइना वालों ने हमें इसको भी असेस करने का मौका दे दिया है अभी। तो आपको अपनी कंपनी का गोइंग कंसर्न असेस करना पड़ेगा इफ़ यू आर द मैनेजमेंट, एंड यू हैव टू असेस एज ऑन डेट, रिपोर्टिंग डेट पे करनी है, एज वेल एज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, और उसके अंदर आपको वो सारे इवेंट्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 31 मार्च तक की डेट को लेंगे या 31 दिसंबर की डेट को लेंगे जो कि आपका बैलेंस शीट डेट है, और आप कहेंगे नहीं नहीं उस दिन तक तो ये कांड नहीं हुआ था, ये चीज़ नहीं हुई थी, तो मैं तो इसको नहीं कंसिडर कर रहा। ऐसा नहीं है, आपको टिल डेट जो भी चीज़ें दिख रही हैं, इनफैक्ट फ्यूचर में भी भविष्य जो आपको दिख रहा है ये हो सकता है या होने वाला है, वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट के जो इवेंट्स हैं। कुछ केसेज में मैनेजमेंट खुद ही बोलेगी, चूंकि उनको अंदाज़ा लग गया कि अभी उन कितने पानी में है, उनको खुद ही अंदाज़ा लग गया है कंपनी अब चला नहीं सकते, दे विल आस्क फॉर लिक्विडेशन, दे विल ट्राई टू गो इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, स्पेशली स्टार्टअप्स। कुछ केसेज में उनको चाहना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्सेज ऐसे हैं, कंपनी के पास कैश नहीं है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे सकते, वेंडर्स की पेमेंट नहीं कर सकते, दे विल बी पुश्ड टू अ लिक्विडेशन मोड। इन दोज केसेज आपको सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे फॉर मिनिमम 12 मंथ्स, द क्राइटेरिया इज मिनिमम 12 मंथ्स, उसके ऊपर आप जितना चाहें देख सकते हैं, 5 साल का बनाना चाहें बना सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं 2 महीने का मैंने देख लिया, 2 महीने में तो मेरी कंपनी बंद नहीं हो रही, मेरा गोइंग कंसर्न एकदम पक्का है, नहीं बोल सकते। नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर आपको लगता है कंपनी वाइंड अप हो सकती है, यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न पर नहीं बना सकते अपनी बुक्स आप। सिमिलरली आपको अपने वो सारे नेसेसरी डिस्क्लोजर डालने पड़ेंगे जिसके बेस पे आपने डिसाइड किया, जिसके बेस पे आपने गोइंग कंसर्न को प्रूव किया या गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट किया कि आपको मटेरियल अनसर्टेनिटीज है, तो उसके लिए जो भी आपने वर्किंग किया है वो सारी चीज़ें डिस्क्लोजर में दिखानी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इस पेंडेमिक के 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है कि एसेट की रेसिड्यूअल लाइफ और यूजफुल लाइफ, इन दोनों में से कोई भी लाइफ चेंज हो सकती है सिग्निफिकेंटली। अगर ये चेंजेज होते हैं, यू हैव टू ट्रीट द चेंजेज एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, और उसके अकॉर्डिंग इंड एस 8 को रेफर करके आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग एस्टीमेट 5 को रेफर करके करनी है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि डेप्रिसिएशन में क्या हम इसको कुछ कंसिडर करेंगे, द आंसर इज नो। इस पेंडेमिक की वजह से आपको डेप्रिसिएशन कहीं भी रिड्यूस नहीं करना है, आपको एज यूजुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करना, चाहे आपका एसेट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यहीं पे रोक देते हैं, और बाकी का COVID-19 इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपके लिए अपलोड करेंगे ऑन द सेम चैनल। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच।